हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास सिक्स से चैप्टर सेवन डेसिमल्स। देखो फर्स्ट डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होते हैं? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, कि जो नंबर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा उसे क्या बोलेंगे हम? डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल। सिंपल आप उसको डेसिमल भी बोल सकते हो, सिंपल आप उसको डेसिमल भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 5.2 तो ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 6.28 ये भी क्या है? डेसिमल नंबर है। 19.308 ये भी क्या है? डेसिमल नंबर है, एट्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पर 17.92। तो डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं। देखो जो ये वाला पार्ट होता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। और जो डेसिमल के बाद होता है राइट साइड में, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो डेसिमल के लेफ्ट में होगा वो होगा होल नंबर पार्ट, जो डेसिमल के राइट में होगा वो होगा डेसिमल पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं लिखूं सपोज 4.93 तो इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इसके हैं दो डेसिमल प्लेसेस। मतलब देखो डेसिमल के बाद दो नंबर है, मतलब इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? टू डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं 8.731 और इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? देखो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 नंबर से, यानी कि इसके कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं लिखूं 3/8 तो इस ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे नंबर है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही मिलकर क्या बनता है? फ्रैक्शन। ये पूरा क्या होगा हमारा? फ्रैक्शन। हमें इसमें करना है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होगा? देखो अगर हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज डिनोमिनेटर, देखो अगर हम बोलें कि डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज अ डिनोमिनेटर, मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर में उसके 10 होगा। अगर मैं लिखूँ 1/10, देखो सपोज यहाँ 1 है यहाँ 10 है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.1। 0.1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 है। जितनी जीरो होगी ना उतने नंबर के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 0/1 है, यानी कि आपको ऊपर एक नंबर के बाद जो है डेसिमल लगा देना है। देखो अगर मैं लिखूँ 2/10, तो देखो 0 यहाँ पर एक ही है और ऊपर नंबर भी एक है, यानी कि एक नंबर के बाद जो आप क्या लगा दोगे? डेसिमल। 2 यह आएगा डेसिमल। यहाँ आप 0 भी प्लेस कर सकते हो, इसको आप 0.2 बोलो या सिर्फ 0.2 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 19/10, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? देखो 0 है यानी कि 1 डेसिमल आएगा। 1 डेसिमल मतलब कि आप ऊपर नंबर में 1 नंबर छोड़ के जो डेसिमल को प्लेस करोगे, तो 9.1। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 213/10, तो 0/1 है यानी कि ऊपर आपको क्या करना है? एक नंबर छोड़ के जो है पॉइंट फिक्स करना है, यानी कि 3 यहाँ जगह पॉइंट और 2/1, यानी कि 21.3। नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर में 10 था, अब होगा 100। सपोज हम लिखते हैं 1/100, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? देखो अब नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, 1 और 2, यानी कि ऊपर आपको 2 नंबर के बाद जो है डेसिमल फिक्स करना है।
तो ऊपर तो आपका सिर्फ एक ही नंबर है वन, और हमें चाहिए टू नंबर, तो आप ज़ीरो फिक्स कर दो अपने आप से और यहाँ लगा दो डेसिमल, बस ये होगी इसकी डेसिमल वैल्यू। अगर हम ले टू अपॉन हंड्रेड, तो देखो नंबर ऑफ़ जीरोज़ टू है, यानी कि ऊपर आप टू नंबर लोगे, एक नंबर तो ऑलरेडी है, एक नंबर हम लेंगे ज़ीरो और यहाँ पॉइंट, ये होगी इसकी डेसिमल वैल्यू। अगर हम लें 72/100, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ टू है, यानी कि ऊपर दो नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो वन नंबर और टू नंबर, यहाँ लगा दो डेसिमल। अगर हम लिखें 4132/100, यानी कि दो नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है, पॉइंट फोर वन। नेक्स्ट अब देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज आ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1000 होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 1/1000 मीन्स आपको ऊपर क्या रखने हैं, तीन नंबर्स रखने हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोस तीन है, यानी कि ऊपर तीन नंबर रखने हैं और फिर डेसिमल प्लेस करना है। तो एक नंबर तो ऑलरेडी है, दो नंबर कहाँ से लाएंगे, जीरो ले लो अपने आप, हो गए तीन नंबर, देखो उन्हें जीरो लगा दो। यहाँ देखो डेसिमल क्या आगे, आपको जीरो लगाना है या नहीं लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं लिखूँ 2/1000, यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ थ्री है, यानी कि ऊपर थ्री नंबर चाहिए, 1, 2, 3 है, लगा दो डेसिमल। नेक्स्ट अगर हम लिखें 57/1000, यानी कि ऊपर कितने नंबर चाहिए, थ्री, तो 1, 2, 3 थ्री नंबर क्या ले लो आप, ज़ीरो, फिर लगा दो डेसिमल। लास्ट अगर हम लें 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3/1000, यानी कि ऊपर आपको चाहिए कितने नंबर, तीन नंबर, 3, 2, 5 हो गए तीन नंबर, यहाँ लगा दो डेसिमल और फिर क्या बचा आगे, 4, ये हो गई इसकी डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। फर्स्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स। देखो लाइक डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं 8.20, 3.28, तो देखो इन दोनों नंबर में डेसिमल प्लेसेस सेम है। डेसिमल प्लेसेस मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं। देखो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो है दो नंबर आते हैं, यानी कि इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, टू। सिमिलरली 3.28 में भी पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, टू, यानी कि दोनों के टू हैं। दोनों के नंबर ऑफ़ प्लेसेस कितने हैं, दोनों के डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, टू, यानी कि दोनों क्या है, लाइक डेसिमल्स। यानी कि आपको बस ये माइंड में रखना है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना, अगर देखो पॉइंट के बाद यहाँ दो नंबर है ना, तो यहाँ भी दो नंबर होने चाहिए, तब ये लाइक माना जाएगा। देखो अगर मैं लिखूँ 3.2, 4.28, 5.281, तो देखो ये तीनों क्या है, अनलाइक डेसिमल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस है ना वो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद तीन नंबर है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स है। लाइक मतलब कि देखो, लाइक मतलब मैं यहाँ लिखूँ 8.75, 6.25, 3.01 एंड 5.21, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे आपके लाइक डेसिमल्स। ये सारे आपके क्या होंगे, लाइक डेसिमल्स, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ दो नंबर है, पॉइंट के बाद इसमें दो नंबर है, यहाँ पर भी दो नंबर है, यहाँ पर भी दो नंबर है, तो पॉइंट के बाद आपको नंबर्स इक्वल रखने हैं। अगर हम लिखें 7.1, 7.21, 8.3, 4.276, तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ दो नंबर है, यहाँ फिर एक नंबर है, यहाँ तीन नंबर है, तो ये अनलाइक डेसिमल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स, यानी कि अगर आपको दो डेसिमल की वैल्यू गिवन है तो उसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। सपोज़ अगर हम लेते हैं दो नंबर 63.84 एंड 57.98, सपोज़ हमको इन दो नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखो आपको पता है कि डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है, होल नंबर वाला पार्ट, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है, डेसिमल वाला पार्ट।
तो जब भी आपको दो डेसिमल वाले नंबर्स में कंपेयर करना हो तो आपको क्या करना है, होल नंबर को पहले कंपेयर करना है। क्या करना है आपको पहले, देखो जैसे 63, इसका होल वाला पार्ट क्या है 63, इसका होल पार्ट क्या है 57। तो पहले आपको इनको कंपेयर करना है, तो इनमें से बड़ा क्या है 63 है, तो यानी कि 63.84 इज ग्रेटर दैन 57.98। ठीक है, ये सिंपल था। आपने देखा कि भाई पॉइंट के इधर होल वाला पार्ट जो है दोनों में बड़ा ये है 63, यानी कि 63.84 क्या होगा, बड़ा किससे, 57.98 से। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही नंबर्स में होल नंबर वाला पार्ट इक्वल है तो क्या करेंगे, देखो सपोज ये दो नंबर हैं 24.70 एंड 24.58, इन दो नंबर को हमें करना है कंपेयर। तो हम क्या करते हैं, पहले हम होल नंबर को करते हैं कंपेयर, ये होल नंबर वाला पार्ट है कि ये होल नंबर वाला पार्ट है, तो दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इसके डेसिमल वाले पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके डेसिमल वाले पार्ट को करेंगे कंपेयर। अब डेसिमल वाले पार्ट में देखो, डेसिमल वाले पार्ट में भी आप ये देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये कौन सा है, 10th प्लेस है, 10th प्लेस आप देखोगे इसमें 7 5, तो बड़ा कौन सा 7, यानी कि 24.70 इज ग्रेटर देन 24.58। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, अगर मैं लिखूँ 53.72 एंड 53.73, तो देखो सबसे पहले देखो ये 53 53 दोनों सेम है, ठीक है। पॉइंट के बाद देखो 10th प्लेस की वैल्यू भी दोनों में क्या है, इक्वल। फिर क्या आती है 100th प्लेस की वैल्यू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया 53.73। 53.73 इज ग्रेटर देन 53.72। देखो एक चीज़ और समझो आप, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं ना उनको हम देखो, जैसे कि मैं लिखूँ अगर 108.732, इसको है ना आप एक साथ नहीं पढ़ोगे, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसको आप 108.732 नहीं पढ़ सकते, इसको आप 108.732 पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते। तो आपको पता लग गया आप कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है होल वाला पार्ट, अगर वो इक्वल है तो आगे बढ़ो आप 10th प्लेस पर, अगर 10th प्लेस भी इक्वल है तो आप उसके भरो, तो आप फिर देखो 100th प्लेस पर, अगर बाई चांस 100th प्लेस भी इक्वल है तो उसके आगे देखो आप उसकी 1000th प्लेस को। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसमें वंस प्लेस नहीं आता है, सीधा 10th प्लेस आता है।